हाय फ्रेंड्स, मैं शुभजीत। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में दिखाऊंगा ऑनलाइन से आप कैसे ड्राइवर पैक सॉल्यूशन का जो काम है वो भी कर सकते हैं। तो पहले ये जान लीजिए दोस्तों कि ड्राइवर पैक सॉल्यूशन का काम क्या है। तो ड्राइवर पैक सॉल्यूशन तब ज़रूरत होता है जब आप एक कंप्यूटर को फॉर्मेट करते हैं। तो फॉर्मेट करने के बाद आपके पास अगर उस कंप्यूटर का ड्राइवर सीडी नहीं हो ना हो तो आपको ड्राइवर पैक सॉल्यूशन का हेल्प लेना पड़ता है। नॉर्मली तो हम लोग क्या करते हैं कि पहले मदरबोर्ड का जो नंबर है उस नंबर को ले लेते हैं और उसको नेट से उसका ड्राइवर निकाल लेते हैं। लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है कि दोस्तों जो ड्राइवर आप निकालें वो इंस्टॉल नहीं हो रहा है या अनसपोर्टेड दिखा रहा है। तो ऐसा प्रॉब्लम हम लोगों को बहुत बार फेस करना पड़ा है। तो इसका सबसे अच्छा सॉल्यूशन है ड्राइवर पैक सॉल्यूशन। ड्राइवर पैक सॉल्यूशन एक सीडी भी मिलता है दोस्तों। ये बहुत मतलब 7 से 8 GB का एक सॉफ्टवेयर होता है, 7 से 8 GB का इसका टोटल साइज़ होता है। तो ये आपको क्या होता है कि एक सीडी में आपका बहुत सारा कंप्यूटर का, बहुत सारा अलग अलग मदरबोर्ड्स का ड्राइवर सीडी, उसमें ड्राइवर सॉफ्टवेयर उसमें इंस्टॉल होता है, उसमें रहता है। तो फ्रेंड्स, ये सीडी आपको मार्केट में मिल तो जाएगा लेकिन इसका कॉस्ट बहुत ही ज़्यादा आता है दोस्तों। तो इसलिए मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखा देता हूँ कि किस तरह से आप लोग फ्री में, बस आपका मोबाइल का इंटरनेट है तो आप ये आराम से फ्री में कर सकते हैं। आप मोबाइल कंप्यूटर को फॉर्मेट कीजिए और आराम से बस कोई भी ड्राइवर सॉफ्टवेयर के लिए आप ऑनलाइन ड्राइवर पैक सॉल्यूशन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल कर लीजिए। तो चलिए दिखाते हैं कि किस तरह से ये होता है। तो ये करने के लिए दोस्तों आपको पहले एक ब्राउज़र, कोई भी एक ब्राउज़र ओपन कर लीजिए। एक ब्राउज़र ओपन करना पड़ेगा। इसके बाद आप उस ब्राउज़र में जाके लिखिए गूगल। आपको पहले गूगल ओपन करना पड़ेगा। गूगल से जाके लिखिए ऑनलाइन ड्राइवर पैक सॉल्यूशन। ऑनलाइन ड्राइवर पैक सॉल्यूशन लिखिए और इंटर दीजिए। इसके बाद देखिए दोस्तों, आपको ये मिलेगा ड्राइवर पैक सॉल्यूशन डाउनलोड फ्री ड्राइवर अपडेट सॉफ्टवेयर। इसमें आपको क्लिक करना है दोस्तों और इसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है इंस्टॉल ऑल रिक्वायर्ड ड्राइवर्स, आपको इसमें क्लिक करना है। इस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते हुए देखिए एक फाइल डाउनलोड होते रहेगा। देखिए एक फाइल डाउनलोड हो रहा है तो आप एक काम कीजिए, इसको ओपन कर लीजिए। वहाँ पे देखिए इसमें क्लिक करके ओपन व्हेन डन, ऑन डन नहीं हुआ है, हाँ अब डन हो गया। अब क्लिक करके शो इन फोल्डर में जाइए, तो जहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया, जहाँ पे ये डाउनलोड हो गया वहाँ पे। तो ये है आपका, देखिए यहाँ पे दिखा रहा है ड्राइवर पैक ऑनलाइन सॉल्यूशन डाउनलोड है। तो इसको आपको क्या करना पड़ेगा, डबल क्लिक करके ओपन करना पड़ेगा। तो डबल क्लिक करके ओपन कर लीजिए। डबल क्लिक कर दिया वो, ये ऑप्शन आ रहा है। तो ये ऑप्शन आ रहा है मतलब ये ओपन हो गया, हो जाएगा दोस्तों। अब देखिए चेकिंग चेक कर रहा है कि इस कंप्यूटर के लिए क्या क्या ड्राइवर चाहिए नहीं चाहिए, ये सब आपको चेक कर रहा है। मेरा इस कंप्यूटर में पहले से सारा ड्राइवर है, फिर भी मैं आप लोगों को दिखाने के लिए ये वीडियो बनाया हूँ। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग सकता है दोस्तों इसको चेकिंग करने के लिए। ये पहले चेक करेगा, उसके बाद जनरेट करेगा, फिर ऑर्डर देगा। हाँ, तो इस काम के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अब देखिए यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कॉन्फ़िगर द कंप्यूटर ऑटोमेटिकली। तो आपको बस इसमें क्लिक करना है। इसमें क्लिक करते ही आपके पास सभी तरह का ऑप्शन आ जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर सोनी, मेरा जो कंप्यूटर है वो बायो है SB1511AE MB। तो ये तो ऑटोमेटिकली वो ले लिया, वो सारा ऑप्शन उसको मिल गया है, मतलब सारा फीचर्स वो जान लिया है। मेरे कंप्यूटर का फीचर्स क्या है, मतलब कॉन्फ़िगरेशन क्या है, फीचर्स क्या है। अब वो उसके हिसाब से मैंने सॉफ्टवेयर भी सब रेडी कर दिया है। आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है कंप्यूटर से कंप्यूटर अपलोड। इसमें क्लिक करने के देखिए यहाँ पे देखिए सारा ऑप्शन आपको थोड़ा नीचे आ जाएगा। यहाँ पे देखिए जो जो डाउनलोड होने को है वो यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली सब डाउनलोड हो रहा है। तो बहुत ही ईजी स्टेप्स है, इसको करके आप कोई भी कंप्यूटर में सारा जो ड्राइवर सीडी चाहिए होता है वो आप इजीली ला सकते हैं। आपको इसके लिए कोई सीडी रखने का या आपको कलेक्शन, सॉफ्टवेयर कलेक्शन रखने का कोई ज़रूरत नहीं है दोस्तों। ये आपका पूरा काम कर देगा। बस आप कंप्यूटर को फॉर्मेट कीजिए, उसमें नेट लगाइए और उसमें ऑनलाइन ड्राइवर पैक सॉल्यूशन को चला दीजिए।
तो आपका पूरा डाउनलोड कंप्लीट हो जाएगा और आपका कंप्यूटर जो है वो उसमें कोई भी ड्राइवर के लिए कोई मतलब सॉफ्टवेयर नहीं छूटेगा दोस्तों, आपका सब इंस्टॉल हो जाएगा। तो मैं इसको क्लोज कर देता क्योंकि मेरा यहाँ पे ज़रूरत नहीं है इसका, तो इसको क्लोज कर दीजिए और इसमें भी इसको यहाँ से क्लोज कर दीजिए। तो बहुत ही ईजी स्टेप है दोस्तों, एक बार ज़रूर करके देखिएगा। अगर कंप्यूटर आपका फॉर्मेट किए हैं तो ज़रूर एक बार करके देखिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब तो बनता ही है। थैंक यू दोस्तों।